नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत जोरों पर है। यूं कह लीजिए कि सियासतदानों की बयानी जंग अब इतनी जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है कि एक दूसरे पर वार करने का कोई भी मौका कोई छोड़ने को राजी नहीं, और अगर छोड़ने को राजी हो जाते तो फिर राजनीति क्या। और वैसे भी जब आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो तो भैया बयानी जंग तो होनी ही है। ये बयानों की जंग इसलिए भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि अगर वार पलटवार ना हो तो फिर चुनाव की गर्माहट का एहसास कैसे होगा। लेकिन सबसे खास बात क्या, बात खास ये है कि इस बार नेता फिर से जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। अब एक तरफ जहां बीजेपी दावा कर रही है 300 पार का, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार 400 हमारे पास होगा, यानी 300 से भी ज्यादा और बहुत ज्यादा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं। अब उस दावे को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पे तो काम करना होगा। अब स्ट्रैटेजी ये है कि फ्री फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। इससे पहले आपको पता होगा कि उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया था। वो ऐलान था साइकिल सवारी करने वाले अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो 5-5 लाख रुपए समाजवादी सरकार लोगों को देगी। पहले ये 5-5 लाख रुपए की मुआवजे राशि का ऐलान, और अब इतना बड़ा ऐलान फिर से कर दिया कि जिसके बाद जाहिर सी बात है किसानों को भी लगेगा कि भाई जो ये सौदा है ये सौदा तो बड़े फायदे का है, और आम उपभोक्ता को भी जिसको गर्मी में बिजली चाहिए। अब ऐसे में गर्मी में सबको गर्मी से छुट्टी पाने के लिए और सर्दी में अपने और काम करने के लिए, तो कुल मिलाकर गर्मी हो चाहे सर्दी हर मौसम में बिजली की जरूरत तो होती ही है। अच्छी जिंदगी किसको नहीं चाहिए, और अच्छी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है बिजली, क्योंकि बहुत सारे काम को सुगम कर देती है यानी आसान कर देती है। तो ऐसे में उसी बिजली को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान किया है कि 300 यूनिट फ्री। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाती है तो अगर आप 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को 1 रुपए का बिल नहीं देना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है। लेकिन अखिलेश यादव साथ ही ये भी कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी है कि भाई साहब, यानी कि वो जो कह रहे हैं वही करेंगे। अब यहाँ पर बीजेपी के ऊपर तंज भी कस दिया, साफ साफ शब्दों में ना सही लेकिन दबी जुबा में ये बड़ा करारा हमला था ये, कि ये तो है जुमलेबाज। आमतौर पर आपने यही सब सुना होगा उनकी जुबान से और विपक्षी पार्टियों की और जुबान से, सब यही कहते हैं कि ये बीजेपी है जुमलेबाज, लेकिन हम हैं वो जो कहते हैं वही हम करते हैं, और हमने संकल्प लिया है। साल के पहले दिन पर इतना अच्छा ऑफर अखिलेश यादव जनता को दे रहे हैं। अब जनता को ये ऑफर कितना भाएगा कि नहीं तो उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन भाई ऑफर तो एकदम जबरदस्त है जनता के लिए, और जनता को ऐसे ऑफर बड़े भाते भी हैं। अब दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऑफर्स दिए थे कि लोगों को बड़े भाए, और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के इन्हीं तमाम ऑफर्स को एक्सेप्ट भी किया, और सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है। अब यही फ्री फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मूला कितना कामयाब साबित होता है। लेकिन इस बीच आपको ये पीयूजन और पप्पीजन का कंफ्यूजन लगातार चर्चाओं में तो आपने भी देखा और सुना होगा, लेकिन अब आपको इसको लेकर एक बताते हैं खास बात। एक तरफ बीजेपी पहले पीयूजन के नाम पर लगातार समाजवादी पार्टी को घेरती रही, अब अखिलेश यादव इसी को लेकर बड़े चुटकीले अंदाज में बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ढूंढने गए पप्पी जैन को, ढूंढ लाए पीयूष जैन को, और निकले पीयूष जैन इनके अपने। समझ गए ना बात, ये बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा लोचा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। खैर, ये लोचा तो चलता रहता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अखिलेश के इस प्रपोजल पर जनता का रिएक्शन क्या होता है, यानी कि जनता क्या उनके इस ऑफर से इम्प्रेस होती है, क्या इस बार ऐसे ऑफर से अखिलेश सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। ये बड़ा सवाल है और बड़ा दिलचस्प भी है।